नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। उद्धव आदित्य और सुप्रिया के गलत एफिडेविट। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे व एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तीनों पर चुनावी हलफनामे में संपत्ति और देनदारी की गलत या अधूरी जानकारी देने का आरोप है। चुनाव आयोग ने इसके खिलाफ शिकायतों की जांच सीबीडीटी को सौंपी है। इन नेताओं के चुनावी हलफनामे में काफी असंगतियों के आरोप है। अपनी संपत्ति और देनदारी की गलत या अधूरी जानकारी देने के चलते तीनों नेताओं को जांच का सामना करना पड़ सकता है। तो वही चुनाव आयोग को कार्रवाई के लिए सीबीडीटी से अपडेट का इंतजार है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो इन नेताओं पर धारा 125 ए के तहत 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो वही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित 4 से 5 अफसरों पर सरकार गिराने का आरोप लगाया था। हालांकि 24 घंटे के भीतर ही देशमुख ने अपने पूर्व बयान से किनारा करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि राज्य के कुछ आईपीएस अधिकारियों ने सरकार गिराने की कोशिश की थी। देशमुख द्वारा कहा गया कि मीडिया में छपी खबर निराधार है। इस इंटरव्यू का वीडियो उपलब्ध है और इसे कभी भी देखा जा सकता है। मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तो वही भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी व उन्होंने बीते कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से कोविड-19 की जांच कराने का अनुरोध किया। सुधीर मुनगंटीवार पिछली देवेंद्र फडणवीस सरकार में वित्त और वन मंत्री थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।